गाइस मी वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, सॉरी मैं सीखने जा रही हूँ बारबेक्यू मैक्रोनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन में ऑयल लेंगे और उसमें अनियन और गार्लिक पेस्ट या फिर चॉप जो गार्लिक और अनियन होंगे उनको हम साथ ही डाल देंगे और तब तक उसे फ्राई कर देंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। मैं बहुत डर रही हूँ ये बनाते हुए क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सो आई होप सो कि कुछ भी गलत ना हो। और मैंने सारी वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं ताकि कुछ वेस्ट ना हो क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है और ना ही मुझे एक्सपीरियंस है इतना। तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अच्छा, फिर हमने डाले टमाटो और चिकन और उसको हम फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने डाला है नमक और स्पाइसेस, जितने भी स्पाइसेस है सारे आप ऐड कर लें, उसको अच्छी तरह जो है वो उसको आप मिक्स कर लें और उसको फ्राई होने दें। इसके बाद हम गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद मैदा और बेक पार्ले स्पाइसेस, जो बेक पार्ले के स्पाइसेस हमें मिले थे वो इसमें ऐड करेंगे और उसका कितना प्यारा कलर आ गया। अब आप कैप्सिकम बीच में ऐड करेंगे और फिर फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। और केचप मैंने ऐड किया है इसमें और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है कि अच्छा टेस्ट आए। लेट्स सी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, अब टेस्ट में पता नहीं। अब उसके बाद क्या है कि जो बॉइल्ड मैक्रोनी होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया। अब इसको गरम गरम पेश कीजिए और यह हमारी बारबेक्यू मैक्रोनी तैयार है।